भगवान शंकर जी के जो अवतारों की कथा है, इनमें एक अर्धनारेश्वर अवतार माना जाता है। देवी पुराण अर्धनारेश्वर अवतार है, क्योंकि आधे अंग में भगवान शिव नारी भी हैं, आधे अंग में भगवान शंकर जी नर हैं, इसलिए अर्धनारेश्वर अर्धनारेश्वर। दोनों स्वरूप भगवान शंकर जी का माना जाता है, दोनों स्वरूप आद्य शक्ति का माना जाता है, कि जो महिमा शंकर भगवान के हैं उनके समान महिमा आद्य शक्ति की भी है। कोई शिव की उपासना करे तो उसका काम नहीं चलता, साथ में शक्ति की उपासना करनी पड़ती है। कोई अकेले शक्ति की उपासना करे तो भी उसका कोई कार्य नहीं होगा, साथ में शिव की भी उपासना करनी पड़ेगी। जितने नाम शंकर भगवान के हमने देखे उतने नाम माँ भवानी के देखे हैं। जो जो शब्द शंकर भगवान के लिए गाया गया वही शब्द आद्य शक्ति भवानी के लिए भी गाया गया। जितनी महिमा शंकर के उसकी महिमा शंकरी की भी है। महेश्वर महेश्वरी, शंकर और शंकरी, देवी और महादेव दोनों की उपासना बहुत महत्व के। अर्धनारेश्वरी परंपरा है, अर्धनारेश्वर महादेव।